नमस्कार, वेलकम टू द इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। दिस वीडियो इज ऑन मैरी एंड इवांस। हर पेन नेम इज जॉर्ज इलियट। इनका जन्म होता 1819 में और 88 में। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं एडम बेट, द मिल ऑन द फ्लॉस, सिलास मॉर्नर, रोमोला, फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल, मिडिल मार्च, डेनियल डिरोंडा। तो ये सारी जो नॉवेल्स हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, साथ में कैरेक्टर्स भी देखेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैरी एन इवांस, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सी इज नोन बाय हर पेन नेम जॉर्ज इलियट। मैरी एन इवांस अपने पेन नेम जॉर्ज इलियट से जानी जाती हैं। एक्चुअली इन्होंने जॉर्ज इलियट पेन नेम से ही अपने सारे वर्क्स पब्लिश कराए हैं, दैट इज वाई सी इज नोन एज जॉर्ज इलियट। मैरी एन इवांस इनका रियल नेम है। एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर ऑफ द विक्टोरियन एरा। तो सी बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा, याद रखेंगे। लाइक थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकेंस, सी इमर्ज्ड फ्रॉम प्रोविंशियल इंग्लैंड, मोस्ट ऑफ हर वर्क सेट देयर। थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस की तरह वो प्रोविंशियल इंग्लैंड से आती हैं, जहां पे इनके ज्यादातर वर्क्स की सेटिंग है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर रियलिज्म, साइकोलॉजिकल इनसाइट, सेंस ऑफ प्लेस एंड डिटेल डिपिक्शन ऑफ द कंट्री साइड। तो इनके वर्क्स में ये सभी चीजें देखने को मिलता है। क्या क्या? रियलिज्म देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल इनसाइट देखने को मिलेगा, सेंस ऑफ प्लेस, डिटेल डिपिक्शन ऑफ द कंट्री साइड। मिडिलमार्च वॉज डिस्क्राइब बाई द नॉवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ एज वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटेन फॉर ग्रोन अप पीपल। तो यहाँ पे देखिए, मिडिलमार्च को लेकर अच्छा सा कमेंट किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। क्या कहा है? वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटेन फॉर ग्रोन अप पीपल एंड बाय मार्टिन एमिस एंड जूलियन बार्नेस एज द ग्रेटेस्ट नॉवेल इन द इंग्लिश लिटरेचर, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे मार्टिन एमिस और जूलियन बार्नेस ने भी मिडिल मार्च को लेकर कमेंट किया और कहा है कि ये ग्रेटेस्ट नॉवेल है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर की। अब देखिए कैसा अच्छा सा कमेंट्स मिला, तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिडिल मार्च जो है मैरी एन इवांस मींस जॉर्ज इलियट का बहुत ही अच्छा नॉवेल है, बेस्ट नॉवेल है, पॉपुलर नॉवेल है। अब देखते हैं आगे, एडम बेड 1859। तो अब वन बाई वन जॉर्ज इलियट के जो नॉवेल्स हैं उसको लेकर चलेंगे। एडम बेड इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मैरी एंड इवांस जॉर्ज इलियट। इट वाज पब्लिश्ड सिमल्टेनियसली इन थ्री वॉल्यूम्स इन 1859। एडम बेड जो है फर्स्ट नॉवेल है मैरी एंड इवांस की या जॉर्ज इलियट की, और ये विदाउट नेम मतलब सुडोनेम, जो कि जॉर्ज इलियट के नाम से सुडोनेम जो है पब्लिश्ड होता है थ्री वॉल्यूम्स में 1859 में। तो फर्स्ट टाइम ये नॉवेल पेन नेम जॉर्ज इलियट के नाम से पब्लिश होता है, कब? 1859 में। बिकॉज सुडोनेम का मतलब होता है कि कोई दूसरा अपना एक्चुअल नेम नहीं, कोई दूसरा जो नाम है फॉल्स नाम है उसे अडॉप्ट किया गया हो। तो याद रखेंगे एडम बेड पब्लिश होता है थ्री वॉल्यूम्स में 1859 में। जॉनर है नॉवेल फिक्शन, हिस्ट्री, रोमांस। स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। द टाइटल कैरेक्टर अ कारपेंटर इज इन लव विद अ अनमैरिड, सॉरी एन अनमैरिड वुमन हु बियर्स अ चाइल्ड बाय अनदर मैन। तो हियर इज द टाइटल कैरेक्टर एडम बेड हु इज अ कारपेंटर इन द नॉवेल एंड ही फॉल्स इन लव विद एन अनमैरिड वुमन हु ऑलरेडी हैज अ चाइल्ड ऑफ अनदर मैन। ऑल्दो बेड ट्राइज टू हेल्प हर, ही इवेंचुअली लूजेस हर, फाइंड्स हैप्पीनेस विद समवन एल्स। बेड जो है एडम बेड उस लेडी की बहुत हेल्प करने की हेल्प करता है, कोशिश भी करता है, बट वो उसे खो देता है और फिर ही गोज टू समवन एल्स, फिर वो किसी और के पास जाता है फॉर हिज हैप्पीनेस। तो याद रखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, स्टोरी है जो मेन स्टोरी है टोटल इसी के अराउंड को मूव करती है। एडम बेड इज जॉर्ज इलियट्स फर्स्ट लॉन्ग नॉवेल। एडम बेड जॉर्ज इलियट की पहली लंबी नॉवेल भी है। थीम है मदरहुड। तो याद रखेंगे मदरहुड इस नॉवेल की थीम है, बिकॉज हियर द अनमैरिड वुमन जिनकी एक चाइल्ड है दूसरे पर्सन की और उसी को लेकर दिखाया गया है, दैट इज व्हाई मदरहुड इज द थीम।
Lisbeth is the strong figure of the mother in the novel. She loves Adam too much. That is why she is too worried about his whereabouts. Lisbeth, जो कि मदर है, मदर के रूप में इस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है. She too loves Adam bit like Adam. और साथ में इसी वजह से हमेशा लिस्बेथ को चिंता रहती है, वरी रहती है एडम के whereabouts को लेकर, मीन्स उसके बारे में. she was always in conscious. Adam Baird is a carpenter and the protagonist of the novel. Adam Baird जो कि carpenter है इस novel में, इसका role carpenter का है और साथ में novel का protagonist भी है. strong man है, intelligent है, fairly well educated, industrious and loyal. the narrator is intrusive. और इस novel में जो narrator है वो intrusive है. Adam realizes that he is in love with Tina. who rejected him but realizes that it's God's will and she marries him. they have two children. last में क्या होता है, Adam जब start में Elizabeth से के साथ होता है, तो Adam has a strong connection with her, but later on जब Elizabeth को खो देता है, तो फिर उसे realize होता है कि he is in love with Dina. but Dina जो है वो सूर्य में एडम को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, बट लेटर ऑन उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं. दोनों के दो बच्चे भी रहते हैं. कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के, देख लेते हैं. एडम बेग, डीना मॉरिस, हेटी सॉरेल, कैप्टन जॉनी थॉर्न और लिस्बेथ इज द मदर ऑफ द नॉवल. तो ये याद रखेंगे सभी चीजें. द नेक्स्ट नॉवल इज द मिल ऑन द फ्लॉस, 1860. द मिल ऑन द फ्लॉस भी इम्पोर्टेंट नॉवेल है जॉर्ज एलियट की, 1860 की ये नॉवेल है. पब्लिश्ड इन थ्री वॉल्यूम्स इन 1860. द मिल ऑन द फ्लॉस जो है तीन वॉल्यूम्स में 1860 में पब्लिश होता है. जर्नल नॉवेल का है, नॉवेल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन, रोमांस, डोमेस्टिक फिक्शन, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी. इट इज मेनली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, टॉम एंड मैगी टुलिवर. इस नॉवेल में क्या दिखाया गया है, ब्रदर और सिस्टर के बीच जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है. ब्रदर कौन है, टॉम टुलिवर, और सिस्टर कौन है, मैगी टुलिवर, हु लिव इन अ मिल, जो एक मिल में रहा करते हैं. मिल क्या होता है, दैट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर. जो ग्रेन होते हैं उनको फ्लोर में, यानी कि जस्ट लाइक जैसे गेहूं वगैरह पिसाया जाता है और आटा बन जाता है, तो वो कहाँ पे होता है, मिल में ही होता है. तो टॉम और मैगी टुलिवर कहाँ रहते थे, मिल में रहते थे. और मिल का लोकेशन क्या था, एक नदी के पास, नदी का नाम है फ्लॉस. दैट इज व्हाई इस नॉवेल का नाम पड़ा है द मिल ऑन द फ्लॉस. इट डिस्क्राइब्स देयर चाइल्डहुड एंड अ डिस्प्यूट दैट कॉजेस देम टू सेपरेट. इस नॉवेल में दोनों भाई बहन के बचपन को दिखाया गया है और उन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, डिस्प्यूट भी होता है, और इस वजह से टॉम एंड मैगी टुलिवर दोनों सेपरेट हो जाते हैं. It is the story of a young woman's struggle for growth and independence against the restraints of small country life. साथ में इस स्टोरी में ये भी दिखाया गया है कि एक यंग वुमेन किस तरह से स्ट्रगल करती है ग्रोथ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, एक छोटे से कंट्री लाइफ में. और वो लेडी यंग वुमेन कौन है, सी इज मैगी टुलिवर. डोमिनियरिंग फैमिली एंड अनसुटेबल सूटर्स. और मैगी टुलिवर को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है. सी आल्सो कम्स टू द अनसुटेबल सूटर्स. तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे. नॉवेल किसके बारे में, ब्रदर एंड सिस्टर की स्टोरी है, टॉम एंड मैगी टुलिवर की स्टोरी है, जो मिल में रहा करते हैं. मिल का लोकेशन फ्लॉस में है और इस वजह से इस नॉवेल का नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस. पब्लिश होता है 1860 में. The Mill in the Floss is a feminist novel. ये feminist novel भी है क्योंकि इसमें जो strong character वो है woman और Maggie Tulliver के बारे में सब कुछ बताया गया है. तो इसी वजह से ये feminist novel हुआ. Maggie Tulliver is the protagonist and heroine of the novel. तो Maggie Tulliver जो है इस novel के protagonist है, heroine है, क्योंकि Maggie की जो struggle है उसी को present किया गया है इस novel में. River flows is the symbol of life and death. River flows जो दिखाया गया इस नॉवेल में वो लाइफ और डेथ का सिंबल है. Bob Jakin gives life changing gift to Maggie, that is two books. Bob Jakin क्या करता है, मैगी को लाइफ चेंजिंग गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट क्या होता है,
टू बुक्स होते हैं। फिलिप वेकम अ वेल्दी लॉयर बिकम्स द एनिमी ऑफ मिस्टर टुलिवर टॉम टुलिवर। फिलिप वेकम जो कि वेल्दी लॉयर होता है वो क्या बन जाता है, एनिमी बन जाता है किसका, मिस्टर टुलिवर जो कि मैगी के फादर हैं और टॉम टुलिवर मैगी के ब्रदर। थीम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपैथी, तो थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपैथी। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, मैगी टुलिवर, टॉम टुलिवर, मिस्टर टुलिवर, फिलिप वेकम, मिसेस बेसी टुलिवर, स्टीफन गेस्ट। तो बहुत कुछ यहाँ आपको देखने को मिल गया है द मिल ऑन द फ्लॉस के बारे में, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, इससे अलग नहीं बन सकते हैं। मतलब मींस यू कैन से दैट कि 90% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट नॉवेल इज सिलास मॉर्नर 1861। सिलास मॉर्नर का कंप्लीट टाइटल है सिलास मॉर्नर द वीवर ऑफ रैवलो, इज द थर्ड नॉवेल बाय जॉर्ज एलियट। ये इनका थर्ड नॉवेल है जॉर्ज एलियट, ठीक है, मैरी एंड इवांस या जॉर्ज एलियट का ये थर्ड नॉवेल है, क्या कौन सा, सिलास मॉर्नर, और इसका कंप्लीट टाइटल है सिलास मॉर्नर द वीवर ऑफ रैवलो। एंड आउटवर्डली सिंपल टेल ऑफ अ लिनियन वीवर, द नॉवेल इज नोटेबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रियलिज्म एंड इट्स सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम रिलीजन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन टू कम्युनिटी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी टेल है लिनियन वीवर की, तो जो लिनियन वीवर होते हैं उसी की कहानी है इस नॉवेल में सिलास मॉर्नर में, और ये स्ट्रॉन्ग रियलिज्म को प्रेजेंट करता है, साथ में सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ इश्यूज को लेकर, रिलीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कम्युनिटी है, तो ये सारे जो इश्यूज है इनके सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है रियलिज्म के साथ। जो नॉवेल है उसका जॉनर देख लेते हैं, नॉवेल है डोमेस्टिक फिक्शन है। थीम द इन्फ्लुएंस ऑफ प्योर नेचुरल ह्यूमन रिलेशनशिप, जॉर्ज एलियट द ऑथर ऑफ द नॉवेल एक्ट्स एज द ओमनीसिएंट नरेटर। तो थीम जो है नॉवेल का ये द इन्फ्लुएंस ऑफ प्योर है नेचुरल ह्यूमन रिलेशनशिप से। जॉर्ज एलियट इस नॉवेल में जो कि ऑथर हैं वो क्या करती हैं, ओमनीसिएंट नरेटर का रोल प्ले करती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलास मॉर्नर का नरेटर कौन है, तो बता देंगे जॉर्ज एलियट जो कि ऑथर है और वो ओमनीसिएंट नरेटर के रूप में है। आगे देखते हैं, अ जेंटल लिनियन वीवर नेम्ड सिलास मॉर्नर इज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ अ हाइनस थेफ्ट एक्चुअली कमिटेड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड। इस नॉवल में क्या है, एक जेंटल लिनियन वीवर है जिसका नाम है सिलास मॉर्नर, ये इस नॉवल का प्रोटोगोनिस्ट है, इसको एक्यूज किया जाता है चोरी का, मतलब चोरी का झूठा आरोप लग जाता है सिलास मॉर्नर पे, और जबकि चोरी इसने नहीं किया होता है, इसके बेस्ट फ्रेंड ने किया होता है, लेकिन आरोप इसके ऊपर लग जाता है, इस वजह से इसे जो वहां पे है छोड़ के चला जाना पड़ता है, एक्साइलिंग हिमसेल्फ टू द रस्टिक विलेज ऑफ रैवलो, और वो वहां से चोरी के आरोप लगने की वजह से वो वहां से चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एक रस्टिक विलेज रैवलो में चला जाता है, जहां पे वो बिल्कुल अकेला और रिक्लूज लाइफ सर्वाइव करता है। तो याद रखेंगे सिलास मॉर्नर इन द नॉवेल इज अ लिनियन वीवर जिसपे चोरी का बहुत बड़ा एक्यूज लग जाता है और चोरी उसका बेस्ट फ्रेंड किया रहता है। एपी इज ब्यूटीफुल एंड लाइवली एंड लव सिलास अनकंडीशनली। एपी जो है खूबसूरत और लाइवली लेडी है और सिलास सिलास अनकंडीशनली। व्हेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेटिव शी डिस्कवर्स हर रियल फादर, शी चूजेस टू स्टे विद सिलास फॉर ही इज द ओनली फैमिली she has known since she was 2 years old. जब एपी को पता चलता है लेटर ऑन लास्ट में नॉवल के एंड में कि उसके फादर कौन है, उसके रियल फादर कौन है, बट वो सिलास के साथ ही रहती है क्योंकि जब वो 2 साल की थी तभी से वो सिर्फ एक फैमिली को जानती थी, दैट वाज सिलास फैमिली। डॉली विंथर हेल्प एंड एडवाइस असिस्ट मॉर्नर नॉट ओनली इन ब्रिंगिंग अप एपी बट आल्सो इन इंटीग्रेटिंग देम इनटू विलेज सोसाइटी। डॉली विंथ्रोप जो है वो सिलास मॉर्नर की हेल्प करती हैं एपी को ब्रॉट अप करने में, एपी के नर्चरिंग में, और इस तरह से साथ में उन्हें उस विलेज की जो विलेज सोसाइटी है उसमें से भी इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो याद रखेंगे डॉली विंथ्रोप हु हेल्प सिलास मॉर्नर हैविंग एपी।
Philos leaves Lenton Yard after being falsely accused of stealing from his church. तो सिलास जो होता है लेंटन यार्ड को छोड़ के रैवलो विलेज चला जाता है बिकॉज उसके ऊपर चोरी का बहुत बड़ा आरोप लग जाता है कि उसने चोरी कर लिया अपने चर्च से, जबकि वो चोरी उसका बेस्ट फ्रेंड करता है। सिलास मार्नर जो है वो इस नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट दो कैरेक्टर है, डस्टन डंसी केस और विलियम डेन, ये दोनों एंटागोनिस्ट है नॉवेल के। कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं, गॉडफ्रे केस, डंस्टन केस, मॉली फेरिन, नैन्सी लेमेटर, सिलास मॉर्नर, तो ये सारे और एपी भी कैरेक्टर हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही आप लोग देख लिए हैं। डॉली विंथ्रॉप को भी आपने देखा है, सी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल। तो इस तरह से आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए सिलास मॉर्नर से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं, रोमोला 1862। रोमोला इनका नॉवेल है जॉर्ज इलियट का, मैरियन इवांस का, 1862 में पब्लिश होता है। दिस वर्क हैज बीन सिलेक्टेड बाय स्कॉलर एज बीइंग कल्चरली इंपॉर्टेंट, और ऐसा कहा जाता है कि स्कॉलर्स ने इस वर्क यानी कि रोमोला को सिलेक्ट किया है ऐसा कहते हुए कि ये कल्चरली इंपॉर्टेंट है एंड इज पार्ट ऑफ द नॉलेज बेस ऑफ सिविलाइजेशन, और साथ में ये जो सिविलाइजेशन का बेस है उसका ये एक हिस्सा भी है जो नॉवेल रोमोला है। जॉनर है नॉवेल का, हिस्टोरिकल फिक्शन है। द नॉवेल सेट इन द 15th सेंचुरी द इटालियन रेनेशा, इस नॉवेल की सेटिंग 15th सेंचुरी में इटालियन रेनेशा के दौरान होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फिक्शन। इट्स अ डीप स्टडी ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक रिलीजियस एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो इटली का सिटी है फ्लोरेंस, वहां के जो सिटी लाइफ है उसके बारे में डीप स्टडी किया गया है रोमोला में, और साथ में इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक रिलीजियस और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो फ्लोरेंस सिटी की लाइफ है उसका डीप स्टडी किया गया है रोमोला नॉवेल में। रोमोला द नॉवेल पब्लिश इन द कॉर्नहिल मैगजीन इन 14 पार्ट्स इन 1862। देखिए रोमोला जो नॉवेल है वो द कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश होता है पहले 14 पार्ट्स में 1862 में, फिर लेटर ऑन 1863 में बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है 3 वॉल्यूम्स में। द पॉइंट्स याद रखेंगे, फर्स्ट 14 पार्ट्स में पब्लिश होता है, देन बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है 3 वॉल्यूम्स में, और कहां पे पब्लिश होता है द कॉर्नहिल मैगजीन। प्रोटागोनिस्ट कौन है, रोमोला है, और एंटागोनिस्ट कौन है, टिटो मिलेमा, तो याद रखेंगे सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। टिटो मिलेमा अ हैंडसम बट स्कीमिंग ग्रीक अपॉर्चुनिस्ट मैरिज रोमोला। टिटो मिलेमा कौन है, एक हैंडसम पर्सन है बट स्कीमिंग ग्रीक अपॉर्चुनिस्ट है जो रोमोला से शादी कर लेता है। सी इज द डॉटर ऑफ अ स्कॉलर, और रोमोला कौन है, स्कॉलर के एक विद्वान की डॉटर है। एक्चुअली टिटो मिलेमा अपॉर्चुनिस्ट है, जैसा उसे चांस मिलता है वैसा वो करता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट वो जो वक्त है सिचुएशन है उसका फायदा उठाता है और रोमोला से शादी कर लेता है। ही डिसेप्ट्स रोमोला, वो रोमोला को धोखा भी दे देता है। इज अनस्क्रूपलस इन हिज पॉलिटिकल डीलिंग्स एंड इज फाइनली किल्ड बाय हिज एडॉप्टिव फादर। रोमोला को धोखा दे देता है पॉलिटिकल डीलिंग में, और फिर उसके बाद टिटो मिलेमा मारा जाता है अपने एडॉप्टिव फादर के द्वारा। तो कौन इसको मारता है, टिटो मिलेमा को, उसका एडॉप्टिव फादर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोमोला फाइंड्स स्ट्रेंथ इन हेल्पिंग टू केयर फॉर टिटोस अदर वाइफ एंड चिल्ड्रेन। फिर जब टिटो मिलेमा का डेथ हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो रोमोला क्या करती है, टिटो की जो दूसरी वाइफ और उससे रिलेटेड जो बच्चे हैं उनकी केयर करती है, और इस तरह से उसे कुछ स्ट्रेंथ मिलता है लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं, रोमोला डी बार्डी, शी इज द प्रोटागोनिस्ट, टिटो मिलेमा एंटागोनिस्ट, बाल्सियरी काल्वो, गिरोलेमे सेवनारोलो सेवनारोला, ठीक है, गिरोलेमो सेवनारोला, थोड़ा सा इटालियन नाम है, टेढ़ा रहेगा। टेशा बार्डो डी बार्डी, नीलो द बारबर, नीलो कौन है, ये बारबर है, पियरो डी कोशिमो, डीनो डी बार्डी, निकोलो मैकियावेली, तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स से इन्हें भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर किस नॉवेल से लिया गया है, तो याद रखेंगे रोमोला इज द नॉवेल।
नेक्स्ट इज डेनियल डिरोंडा 1876। डेनियल डिरोंडा नेक्स्ट नॉवेल है जो कि 1876 में पब्लिश्ड होता है। इस नॉवेल में क्या दिखाया गया, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 8 पार्ट्स फरवरी टू सितंबर 1876। तो ये नॉवेल 8 पार्ट्स में सबसे पहले पब्लिश होता है फरवरी से सितंबर तक 1876 में। इट वॉज द लास्ट नॉवेल सी कंप्लीटेड। डेनियल डिरोंडा जॉर्ज एलियट की लास्ट नॉवेल है जिसे उन्होंने कंप्लीट किया था। थीम है इस नॉवेल की, डेनियल डिरोंडा वॉज द फर्स्ट ऑफ जॉर्ज एलियट्स नॉवेल्स टू बी सेंट इन हर ओन पीरियड द लेट 19th सेंचुरी एंड इन इट टू सी लुक ऑन व्हाट वॉज हाईली अनयूजुअल कंटेम्पररी थीम द पोजिशन ऑफ ज्यूज इन ब्रिटिश एंड यूरोपियन सोसाइटी एंड देयर लाइकली प्रोस्पेक्ट्स। देखिए जो थीम है डेनियल डिरोंडा इस नॉवेल में, तो डेनियल डिरोंडा प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवेल का, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो नॉवेल है डेनियल डिरोंडा जॉर्ज इलियट की पहली नॉवेल है जो इनके टाइम पीरियड में इसकी सेटिंग होती है। अदरवाइज बाकी जो नॉवेल्स है इनके टाइम पीरियड में सेट नहीं होते हैं। तो जॉर्ज इलियट की जो टाइम पीरियड है वो 19th सेंचुरी है। तो याद रखेंगे डेनियल डिरोंडा की सेटिंग कब होती है, जॉर्ज एलियट के टाइम पीरियड में होती है, 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी याद रखेंगे। एंड इन इट सी लुक ऑन व्हाट वाज अ हाई अनयूजुअल कंटेम्पररी थीम, और इसमें एक अनयूजुअल कंटेम्पररी थीम को दिखाया गया, दैट इज ज्यू। जो ज्यू की पोजिशन है ब्रिटिश और यूरोपियन सोसाइटी में उसको दिखाया गया है डेनियल डिरोंडा में। ज्यू लोगों की क्या पोजीशन है ब्रिटिश और यूरोपियन सोसाइटी में, ये कंटेम्पररी थीम थी एट द टाइम की लेट 19th सेंचुरी की, इसी को जॉर्ज इलियट ने दिखाया है। और याद रखेंगे डेनियल डिरोंडा पहला नॉवेल है जो जॉर्ज इलियट के टाइम में सेटिंग होती है, यानी कि उस टाइम पीरियड में सेट होता है, और टाइम पीरियड क्या है, लेट 19th सेंचुरी। The novel follows the intertwined stories of Daniel Deronda, the compassionate charge of a wealthy gentleman who withholds from him his identity, and the beautiful and ambitious but self-centered Gwendolyn Harleth. इस नॉवेल में स्टोरी बताई गई है डेनियल डिरोंडा की, जो कि बहुत कंपैशनेट चार्ज वाला वेल्दी जेंटलमैन है, और ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है बिकॉज ही इज अ ज्यू, वो ज्यू है डेनियल डिरोंडा, इस वजह से ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है। और कौन सी आइडेंटिटी लेकर चलता है, ग्वेंडोलिन हार्लेथ। तो ग्वेंडोलिन हार्लेथ जो है ये डेनियल डिरोंडा की सेकेंड आइडेंटिटी है, बिकॉज उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाना होता है एज ए ज्यू। तो याद रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। The eighth and final book of Daniel Deronda, entitled Fruit and Seed, shows the beginning of Daniel's new life as a Jewish man. तो जो इस नॉवेल की, डेनियल डिरोंडा नॉवेल की फाइनल बुक है, आठवीं बुक है, उस जिसका टाइटल फ्रूट एंड सीड है, इसमें डेनियल की न्यू लाइफ को दिखाया गया है, जिसे वो अपने ज्यूइश लाइफ के रूप में सर्वाइव करता है, मतलब एज ए ज्यू के रूप में अपनी लाइफ को लीड करता है। बिकॉज डेनियल क्या किया रहता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रहता है, और एज ए जीव वो नहीं रहता है सोसाइटी में। बट फाइनल बुक में, जो फ्रूट एंड सीड नाम की फाइनल बुक है डेनियल डिरोंडा नॉवेल की, उसमें वो एक्सपोज कर देता है कि वो एक जीव है, और साथ में वो जो अपनी सब कुछ रियलिटीज है वो एक्सपोज करता है लोगों को। और फाइनली जो इन ये डेनियल है, ये मीरा से शादी कर लेता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम रिवील देयर लव्स टू वन अनदर, और इस तरह से ये दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं डेनियल और मीरा। डेनियल्स रिलेशनशिप विद सर ह्यूगो इज एम्बिगुअस। डेनियल थिंक्स ही इज हिज इलेजिटिमेट सन। डेनियल की जो रिलेशनशिप है सर ह्यूगो से थोड़ा सा एम्बिगुअस से क्लियर नहीं है, और नो वन नोज दैट कि कौन है डेनियल सर ह्यूगो का। लेकिन डेनियल खुद को उसको लगता है, वो थोड़ा सा डाउट करता है कि मे बी वो सर ह्यूगो का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। डेनियल डिरोंडा इज द प्रोटागोनिस्ट। डेनियल डिरोंडा नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट है। कुछ कैरेक्टर्स देख लीजिए, ग्वेंडोलिन हार्लेथ जो की सेकेंड आइडेंटिटी है डेनियल डिरोंडा की, हेलेक मालिंगर ग्रैंड कोट एक ही पर्सन का नाम है, मीरा लेपिडोथ
सर ह्यूगो मालिंकर, डेनियल डिरोंडा, तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे नॉवेल के। फेलिक्स सॉल्ट द रेडिकल 1866, अ सोशल नॉवेल अबाउट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इन अ स्मॉल इंग्लिश टाउन एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। ये सोशल नॉवेल है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट को लेकर इस नॉवेल में बात कही गई है। एक छोटे से इंग्लिश टाउन में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होता है किस बात को लेकर, 1832 में एक एक्ट आता है इंग्लैंड में, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट जिसे जाना जाता है, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है उस एक्ट को। तो याद रखेंगे फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। तो ये एक्ट जब आता है इंग्लैंड में तो बहुत सारे पॉलिटिकल इंसर्जेंसी होती है, वहां पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो जाता है एक छोटे से इंग्लिश टाउन में, उसी को लेकर इस नॉवेल में बात कही गई है। अ मेजर डिजाइन टू रिफॉर्म द इलेक्टोरल सिस्टम इन ब्रिटेन, ये एक्ट क्यों आता है, ब्रिटेन में इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए ये एक्ट आता है, बट लोग इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। In January 1868, Eliot penned an article entitled "Address to Working Men" by Felix Holt. January 1868 में Eliot एक आर्टिकल लिखती हैं और आर्टिकल का टाइटल है "Address to Working Men". और ये आर्टिकल किस नाम से पब्लिश होता है? Felix Holt के नाम से पब्लिश होता है। नॉवेल 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है 1866 में। याद रखेंगे फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल जो नॉवेल है ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है 1866 में। डिस्पाइट हिज एजुकेशन फेलिक्स हॉल्ट हैज चोजन टू वर्क एज एन आर्टिजन। फेलिक्स हॉल्ट की एजुकेशन अच्छी है फिर भी वो एक आर्टिजन के रूप में काम करना एक्सेप्ट करता है। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फेलिक्स हॉल्ट, हेरोल्ड ट्रांसम, एस्थर लॉयन, रिफ्यूज लॉयन, मिसेस ट्रांसम, मॉरिस क्रिश्चियन, जॉन जॉनसन, थॉमस ट्रॉनसेम, सर मैक्सिमस डिवेरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग देखेंगे तब माइंड में सेट होगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट नॉवेल, दैट इज मिडिलमार्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट, 1871 पब्लिशिंग डेट है। Middlemarch, A Study of Provincial Life is a novel first appeared in 8 volumes in 1871-72. तो Middlemarch जो है provincial life से related novel है, 8 volumes में published होता है 1871-72. Set in Middlemarch, a fictional English Midland town in 1829-1832. सेटिंग कहाँ होती है मिडिल मार्च की? मिडिल मार्च नाम की जगह में ही होती है, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज मिडिल मार्च। और ये मिडिल मार्च क्या है? फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन है, 1829 से 1832 की इसकी सेटिंग है। जॉनर है, नॉवेल है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो ये भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर चलता है। मिडिल मार्च क्यों ऐसा आगे देखेंगे। थीम क्या है? मैरिज, Dorothea and Lydgate's unsuccessful marriage इसकी मेन थीम है। स्टेटस ऑफ वुमेन भी इसकी थीम है। आइडियलिज्म है, सेल्फ इंटरेस्ट है, रिलीजन है, हाइपोक्रेसी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म है, एजुकेशन है, ये सभी इस नॉवेल के थीम्स हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आई ना, तो वही जो 1832 का रिफॉर्म एक्ट है उसी को लेकर बात कही गई है, दैट इज वाई ये भी हिस्टोरिकल फिक्शन है। Dorothea is an earnest, intelligent woman who makes a serious error in judgment when she chooses to marry Edward. Dorothea कौन है? इस नॉवेल की प्रोटागोनिस्ट है, earnest, intelligent woman है, और ये mistake कर देती है। Mistake क्या करती है? Mistake, she did mistake to marry Edward Casaubon, जो कि इस नॉवेल का एंटागोनिस्ट है। और ये कौन है? Edward Casaubon, ये अब पॉम्पस स्कॉलर है जो कि बहुत सीनियर होता है डोरोथिया से। तो याद रखेंगे डोरोथिया मिस्टेक कर देती है एडवर्ड से शादी करने की जो डिसीजन लेती है, तो दैट इज हर मिस्टेक। फ्रेड एंड मैरी सेटल इनटू अ सॉलिडली हैप्पी मैरिज एंड हैव 3 सन्स। नॉवेल के एंड में क्या होता है? फ्रेड एंड मैरी जो होते हैं वो एक शादी कर लेते हैं, उनकी मैरिज हैप्पी होती है, उनके 3 बच्चे भी होते हैं। दे नेवर बिकम रिच, वो कभी रिच तो नहीं बनते, बट दे मैनेज कंफर्टेबली, लेकिन वो ठीक ठाक अपनी जिंदगी जी लेते हैं। Lydgate leaves Middlemarch and sets up a successful practice elsewhere.
स्टिल आउट कंसीडर्स हिमसेल्फ अ फेलोर एंड डाइज एट फेब्रिलिट गेट. क्या करता है, मिडिल मार्च छोड़कर चला जाता है, कहीं और पे प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो अभी भी फेल्योर है और 50 इयर्स की एज में इसकी डेथ हो जाती है लीड गेट की. डिस्पाइट कॉमिक एलिमेंट्स मिडिल मार्च यूजेस रियलिज्म टू एनकंपास हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो देखिए यहाँ पे दिया है कि मिडिल मार्च में जो कॉमिक एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं. क्या क्या है, 1832 का रिफॉर्म एक्ट है और रेलवे है और साथ में द एक्सेशन ऑफ किंग विलियम फोर्थ. तो ये सभी हिस्टोरिकल पॉइंट इस नॉवेल में मिडिल मार्च में देखने को मिलेगा. दैट इज वाई ये नॉवेल हिस्टोरिकल नॉवेल्स की कैटेगरी में भी आता है. इस नॉवेल की फर्स्ट लाइन देख लीजिए कैसे स्टार्ट होती है नॉवेल. मिस ब्रूक हैड दैट काइंड ऑफ ब्यूटी व्हिच सीम्स टू बी थ्रोन इनटू रिलीफ बाय पुअर ड्रेस. तो ये इस जो ये लाइन है ये इस नॉवेल के स्टार्ट है मिडिल मार्च की. प्रोटागोनिस्ट कौन है नॉवेल का, वो है डोरोथिया. एंटागोनिस्ट एडवर्ड कासियोबेन. तो एडवर्ड जो कासियोबेन है उसी से डोरोथिया शादी करती है और ये इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है. मिडिल मार्च 1871 में कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं. लास्ट लाइन इसका देख लीजिए, डोरोथियास फुल नेचर लाइक दैट रिवर ऑफ विच साइरस ब्रोक द स्ट्रेंथ स्पेंट इटसेल्फ इन चैनल्स विच हैड नो ग्रेट नेम ऑन द अर्थ. तो ये लास्ट लाइन है, डोरोथियास फुल नेचर लाइक दैट रिवर ऑफ विच साइरस ब्रोक द स्ट्रेंथ. तो याद रखेंगे लास्ट लाइन है मिडिल मार्च की. कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. टेटियस लिडगेट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. मिस्टर आर्थर ब्रूक, व्यू एडवर्ड कासियोबेन, मैरी ग्रेथ, डोरोथिया ब्रूक, मैरी ग्रेथ है, डोरोथिया ब्रूक है, मिस्टर बैमरीज, शीलिया ब्रूक, निकोलस बुलस्ट्रॉड, हैरियट बुलस्ट्रॉड, एलिनोर कैडवालाडेल. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स हैं. तो आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए थोड़ा सा देखेंगे तो एक दो बार बस रीड कर लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, या सुन लेंगे तो भी सेट हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो. प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइल.